সে শান্তি হচ্ছে যে এখানে ঠিক আছে এটা তো আমরা কি বললাম আমরা বলছি কি এটা কি দাদাগিরি হলো না Hey, please. Dilip Ghosh will come here at Mohanpur and then you see him in the देखिए इन तीन तस्वीरों को, एक तरफ भारती घोष के साथ धक्का मुक्की, दूसरी तरफ दिलीप घोष के काफिले पर हमला और तीसरी तरफ अर्धसैनिक बलों केंद्रीय बलों के जवानों के साथ मुठभेड़। ये है लोकसभा चुनाव का छठा चरण जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान पांचों चरण से भी ज्यादा छठवें चरण में हिंसा हुई। इस छठे चरण के चुनाव के दौरान खबर ये भी आई, सीआईएसएफ को बूथ लूटने से बचाने के लिए गोलियां तक चलानी पड़ी। वहीं पुरुलिया से एक तस्वीर ऐसी आई जहां हाथों में हथियार लिए खुलेआम चुनाव के दौरान नकाबपोश दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो पश्चिम बंगाल में पूरे देश में सबसे ज्यादा मतदान हुआ और वो था 80.13%, लेकिन हिंसा भी जमकर हुई। पश्चिम बंगाल की राजनीति इतनी रक्त से लथपथ क्यों है, ये सबके समझ के बाहर की चीज है। वहीं चुनाव के दौरान ये भी आरोप लगाया गया कि कहीं चुनाव में बाहर से आए लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं, तो दूसरी तरफ मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक जाने ही नहीं दिया जा रहा है और उनके मत पड़ जा रहे हैं। सुनिए मतदाताओं को ये कहते हुए भी कि कैसे उन्हें रोका जा रहा है वोट देने से। रास्तों पर पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान, इस तरह से संपन्न हुआ पश्चिम बंगाल में छठे चरण का लोकसभा चुनाव। व्यापक हिंसा, भारी तनाव, इसके बीच लोकसभा का ये चुनाव पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ, जिसे लेकर एक बार फिर चारों तरफ से प्रतिक्रियाओं के आने का दौर शुरू हो गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों ये आरोप लगा रहे हैं कि इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने दिया गया। युवा शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।